of this chapter. Chapter number 4, determine the topic is minors and cofactors. Okay, so firstly we will tell you the minors. Minors क्या होते हैं, ठीक है? तो कोई सा भी आपके पास डिटरमिनेंट होगा तो उस डिटरमिनेंट में आपने जैसे निकालना होगा, पहले वाले एलिमेंट का निकालना है A11 का, ठीक है? तो उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो नंबर बचेगा आपका, वो आपका डिटरमिनेंट आएगा 2/2 में, वो सॉरी कोफैक्टर, वो माइनस आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर 3/3 में है तो 3/3 में वैसे ही करेंगे. अगर आपको A11 निकालना है वहां से भी, ठीक है, तो इसके लिए अगर निकालना है तो इसका अगर हम माइनर निकालें तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ये बचेगा आपका, इसको कैलकुलेट करके हम दिखा देंगे. तो उसमें डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, आईथ रो जेथ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय द डिलीटिंग इट्स आईथ रो, इसको डिलीट करेंगे, आईथ रो एंड जेथ कॉलम इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज, जिसमें ये एलिमेंट लाई करता है ए आई जे, तो उसकी रो और उसके कॉलम को डिलीट कर देंगे, ठीक है? उससे जो मिलेगा आपका वो क्या बन जाएगा, माइनर मिल जाएगा. तो ये कह रहा डिनोटेड बाय एम आई जे, किससे डिनोट होगा, एम आई जे से. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसका अगर हमें निकालना है इसमें पहले वाले का, तो ये M11 निकालना हमने, ठीक है? तो ये क्या होगा, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये क्या बचा आपके पास सिर्फ 4, तो M11 आ गया आपके पास 4. उसके बाद ऐसी M12 चाहिए हमें, M12 में क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा पूरा ही, क्या बचा आपके पास 3. ऐसे आपको चाहिए M21 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये क्या बचा आपके पास 2, ये आ गया 2, ठीक. ऐसी M22, ठीक, तो M22 में क्या आ जाएगा आप, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, तो आपके पास क्या बचा है यहाँ पे 1, तो ये आ गया आपका M22. तो ये तो था 2/2 में माइनर निकालने का तरीका, ठीक है, उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं. तो ये हमने माइनर्स निकाल के दिखा दिए. उसके बाद आपके पास है 3/3 के माइनर्स निकालने हैं, ठीक है, इस डिटरमिनेंट के. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, M11 निकालना हमने, इसमें M11 में क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये बचा आपके पास 5, 6, 8, 9, इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने, 9 5 कितना होता है 45, माइनस 8 6 कितना होता है 48, कितना बचा आपके पास -3. अब चाहिए आपको M12 में क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, दिस वन क्या बचा 4, 6, 7, 9, 4, 6, 7, 9, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसमें क्या जाएगा 9 4 36, -7 6 42, कितना बचा -6, ठीक. उसके बाद चाहिए आपको M13 में क्या जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, क्या जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 4 5 7 8, क्या आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई किया तो 4 8 32, -7 5 35, कितना बचा -3, ये आ गया आपके पास M13. अब आपको निकालना है M22, ठीक है. अब आएगा आपके पास फर्स्ट रो नहीं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये तो क्या बचा आपके पास 2 3 8 9, इसको सिंपलीफाई करेंगे 9 2 18, -8 3 24, कितना बचा -6, ठीक है. फिर निकालेंगे हम M22 का मतलब क्या हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, क्या बचा 1 3 7 9, 1 3 7 9, ये बचेगा देखो 1 3 7 9 8, इसको सिंपलीफाई किया हमने, 9 9 9, -7 21, तो ये कितना बचेगा -12, ठीक है. उसके बाद निकाला हमने M23 में कैसे जाएंगे, अब आएगा आपके पास सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, ये अब क्या बचा आपके पास 1 2 7 8, 1 2 7 8, मल्टीप्लाई कर लो 8 1 8, -7 2 14, कितना आ गया -6 आ गया, ठीक है. अब आपने क्या करना है, M31 फाइंड आउट करना है माइनर्स में. तो M31 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिख लेंगे M31
is equals to, आप देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 2 3 5 6, 2 3 5 6, नाउ मल्टीप्लाइंग 6 2 12, -15, -3। अब चाहिए आपको m32 फाइंड आउट करेंगे कैसे। अब देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट, ठीक है, क्या हो जाए 1 3 7 9, 1 3 7 9, कितना आ गया आपके पास 9 -7 3 21, कितना बचा -12, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये तो थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो गया। अब आपके पास क्या बचा 1 2 4 5, m33, 1 2 4 5, ये कितना आ गया 5 -8, ये हो गया -3। इस तरीके से आप माइनर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जो भी माइनर आपने फाइंड करना है उसके उस रो और उस कॉलम को डिलीट करना है, उसके बाद जाएगा उसको सिंपलीफाई करके आपने लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप माइनर फाइंड करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑल्सो, ओके। सो माइनर कंप्लीट, नाउ वी विल टॉक अबाउट कोफैक्टर्स, ओके। स्टूडेंट लुक नाउ, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ, इससे निकाल सकते हैं या कैपिटल CIJ से निकाल सकते हैं, ओके। इज डिफाइंड बाय AIJ, यस को लिख सकते हैं CIJ, ठीक है, इक्वल्स टू -1 पावर 1, -1 पावर i+j, और ये बन जाएगा आपका MIJ। MIJ क्या है, माइनर ऑफ द AIJ टर्म, ठीक है। तो आप कैसे कोफैक्टर निकालेंगे, जैसे हमने इसमें माइनर निकाला था उसके लिए हम लिखेंगे A11 कैपिटल से लिखेंगे, इक्वल्स टू -1 पावर i, कितना है 1, तो j भी कितना है 1, तो लिखते हैं 1 + 1 m11, ये क्या आ गया आपके पास -1 की पावर 2 हो गया, और m11 कितना आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कितना है 4, कितना हो गया आपसे +4। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप a12 फाइंड आउट करेंगे, तो -1 पावर 1 + 2, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू कितनी है 2, m12 कितना आ गया -1 पावर 3, m12 का मतलब हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट व्हाट इज लेफ्ट 3, तो ये आ गया आपका -3। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना a21, तो -1 पावर 2 + 1, i की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू 1, m21 का मतलब कितना हो गया, ये -1 की पावर पहले 3 लिखा, इसमें आ गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट व्हाट इज लेफ्ट 2, दिस इज -2। उसके बाद है a22, ये तो -1 पावर 2 + 2, m22, ये तो कितना आ गया -1 पावर 4, और m22 का मतलब हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट व्हाट इज लेफ्ट 1, तो ये आ गया आपका 1, तो प्लस का 1 आ गया। तो कोफैक्टर हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जैसे इसी का फाइंड आउट करना है कोफैक्टर, तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, a11 इज इक्वल्स टू -1 पावर 1 + 1, m11, ठीक है, और m11 कितना हमारे पास -3, ठीक है, कितना आया था निकल के -3, तो इसको लिख दिया हमने -1 की पावर 2 × -3, तो ये हो गया आपका -3, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए a12 का मतलब कितना हो गया, ये आ गया आपका -1 की पावर 1 + 2 m12, ये और m12 की वैल्यू कितनी है, ये -6, तो आप लिख देंगे यहाँ पे -6, और ये -1 × -6 दैट इज +6, इस तरीके से। उसके बाद a13 निकालेंगे आप, तो a13 आपने निकाल दिया यहाँ से ऐसे, a13 में भी आपने क्या किया, ये आ जाएगा आपका माइनस, आपको माइनर निकालना आ गया तो कोफैक्टर इजीली निकाल सकते हैं 1 + 3 m13, ये तो m13 की वैल्यू कितनी है -3, तो आपने लिख दिया ऐसे, तो ये आ गया आपका प्लस का 1 × -3 दैट इज -3। इस तरीके से आप कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है।
ये तो पता ही है हमने कैसे निकाला हमने फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, ये बचा हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आया था माइनस थ्री, तो लिख दिया ऐसे ऐसे इसमें निकाला। अब आप ऐसे ही ए टू वन निकाल सकते हो, ए टू वन में क्या गया माइनस वन की पावर टू प्लस वन एम टू वन, अब माइनस वन आ गई और एम टू वन की वैल्यू कैसे आएगी देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या देगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट टू थ्री एट नाइन, तो नाइन टू जाए एटीन माइनस ट्वेंटी फोर, एटीन माइनस ट्वेंटी फोर, तो ये हो गया आपका माइनस वन इंटू माइनस सिक्स, तो ये आ गया प्लस का सिक्स ऐसे। उसके बाद आपको चाहिए ए टू टू, तो ए टू टू ये आ गया आपके पास, इसमें भी ऐसे करेंगे आप माइनस वन की पावर टू प्लस टू एम टू टू, और एम टू टू की वैल्यू कितनी है माइनस ट्वेल्व, तो आप लिख दिया यहाँ पे ये तो प्लस वन हो जाएगा और माइनस ट्वेल्व ना हो गया माइनस ट्वेल्व इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही आप ए टू थ्री निकालेंगे, इसमें ए टू थ्री क्या आएगा माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री एम टू थ्री, ठीक है, और एम टू थ्री की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने अभी देख लेते हैं, एम टू थ्री की वैल्यू हमारे पास थी सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो वन टू सेवन एट बचा एट माइनस फोर्टीन, इतना एट माइनस फोर्टीन हो गया माइनस वन इंटू माइनस सिक्स दैट इज प्लस सिक्स। ऐसे आप ए वन थ्री निकालेंगे, थ्री वन ए थ्री वन इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन एम थ्री वन ऐसे, और एम थ्री वन की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री, तो आप लिख देंगे यहाँ पे वन इंटू माइनस थ्री कितना हो गया माइनस थ्री। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए थ्री टू, ए थ्री टू कितना आया माइनस ट्वेल्व निकल गए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन पावर थ्री प्लस टू और माइनस ट्वेल्व कितना हो गया माइनस वन इंटू माइनस ट्वेल्व दैट इज प्लस ट्वेल्व। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री तो इसमें कितना आ रहा है माइनस थ्री निकल गई, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे माइनस वन पावर थ्री प्लस थ्री और एम थ्री थ्री, तो ये हो गया आपका प्लस का वन इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री। इस तरीके से आप इसको फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। Okay student, I hope you have understand. So next exercise we will do on this topic. Student look, last topic of this exercise, for this exercise. जो determinant की value होगी किसी भी determinant की, तो कैसे find out कर सकते हैं हम sum of the product of elements of any row or column with their corresponding cofactors. Means ये प्रोडक्ट होगा एलिमेंट का और कोफैक्टर्स का उस रो या उस कॉलम का जिसके अलोंग पूछ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज करो अलोंग फर्स्ट रो एलिमेंट हमने निकालना है, ठीक है, फर्स्ट रो एलिमेंट का अलोंग हमें क्या चाहिए, अगर उसका एलिमेंट ए वन वन है तो कोफैक्टर आपका ए वन वन होना चाहिए उसके साथ, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट। फिर ऐसे ए वन टू के साथ कैपिटल ए वन टू यानी कोफैक्टर ए वन टू वाला चाहिए इसके साथ, इस एलिमेंट के साथ, एलिमेंट को स्मॉल ए से दिखाया है और को फैक्टर को कैपिटल लेटर से, प्लस ऐसी ए वन थ्री और कैपिटल ए वन थ्री को फैक्टर दिखा रहा है, ये एलिमेंट दिखा रहा है, तो क्या करेंगे तीनों को ऐड कर लेंगे तो आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया और एलिमेंट हुए आपके दूसरे और को फैक्टर हुए दूसरे, तो उन दोनों का प्रोडक्ट का सम जो होगा वो जीरो हो जाएगा। लिखा नोट में इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज जीरो। फॉर एग्जांपल ये आपका डिटरमिनेंट ए वन वन है एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, उसके साथ कोफैक्टर कौन सा ले लिया हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का यानी ए टू वन, फिर ऐसे ए वन टू के साथ ए टू टू ले लिया, ए वन थ्री के साथ ए टू थ्री ले लिया, तो इन सबका सम जो आएगा प्रोडक्ट का सम वो किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपसे पूछ भी सकता हो, ये तो फर्स्ट रो का लॉन्ग हो गया, सेकंड रो का लॉन्ग है तो आपसे पूछे तो क्या निकालना पड़ेगा सेकंड रो का लॉन्ग ए टू वन कोफैक्टर ए टू वन, ए टू टू एलिमेंट कोफैक्टर ए टू टू, ऐसी एलिमेंट ए टू थ्री कोफैक्टर ए टू थ्री, ऐसे आप थर्ड रो का लॉन्ग निकाल सकते हैं आप, तो थर्ड रो का लॉन्ग क्या आ जाएगा ए थ्री वन ए कोफैक्टर ए थ्री वन,
A32 और कोफैक्टर A32 प्लस एलिमेंट A33 कोफैक्टर A33, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसी कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो योर टॉपिक इज कंप्लीट फॉर दिस एक्सरसाइज।